हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। अगर आप लोग अभी तक हिंदी के कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि क्या पूछने वाला एग्जाम है, सेंटअप और फाइनल एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। यहाँ से जो सारा इंपॉर्टेंट जो है बुक पोर्शन और ग्रामर पोर्शन से पढ़ने वाले हैं। अब एक बार आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है उपवन शब्द का उपसर्ग है। तो उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आईएससी और आईएम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो यहां पर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या है, यानी उप हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि ईमान शब्द कौन सा जो है उपसर्ग है, तो ईमान शब्द जो है कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी ई जो है ये क्या है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्ग जो है ई हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, ये 2012 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तीन नंबर प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर तीन नंबर का, देखिए फटाफट से जवाब दिए, तो तीन नंबर का राइट आंसर बी नंबर इत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इत यहाँ राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी क्वेश्चन नंबर चार नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाठनीय शब्द में पढ़ते हैं, तो पाठनीय शब्द में पढ़ते हैं कौन सा होगा, यहाँ देखिए 2009 में ये क्वेश्चन जो आई ए और आई सी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का, तो चार नंबर का राइट आंसर ए नंबर ई ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, सभी प्रश्नों को फटाफट से आप लोग को देखना है और अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं और बाकी जो अभी हम लोग बुक पोर्शन से भी पढ़ने वाले हैं, आप लोग बस शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंकिल शब्द में पढ़ता है, तो पंकिल शब्द में कौन सा पढ़ता है, ये देखिए 2019 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको जो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांच नंबर का, चलिए पांच नंबर का डी नंबर, इल जो है पंकिल में क्या, इल पढ़ता है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, छह नंबर कह रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में 2010 में पूछा गया, तो इस बार आप लोग के जो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो काल के कितने भेद है, तो छः नंबर का राइट आंसर क्या होगा, छः नंबर जाएगा, यानी तीन भेद है। काल के कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने क्वेश्चन नंबर सात का। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर यानी संज्ञा के कितने भेद हैं, तो सात नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सात नंबर का राइट आंसर यानी पांच भेद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे, आठ नंबर कह रहा है कि हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा, तो हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा, ये 2009 में प्रश्न ये पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग को शुरू से लेकर आखिर जवाब देते रहना है और आप लोग देखते रहना है। तो यहां पर आठ नंबर का आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा, यानी शाश्वत कहता है उसको, यानी हमेशा जो रहने वाला को क्या कहता है, शाश्वत कहा जाता है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। अब बढ़ते आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जा रहा है, नौ नंबर। चलिए तो नौ नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन में, क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द होगा, जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द। देखिए यहाँ पर आई ए और एस ओ में पूछा गया है, ये 2009 में, बहुत ज़्यादा वी वी आई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नौ नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है इसका, दस नंबर। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा, तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिए, तो बी नंबर यानी आस्तिक हो जाएगा, ठीक है आस्तिक। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब यहां पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य तो कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा होगा, तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ललित निबंध। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 12 नंबर जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए सारा ऑप्शन, तो भारत रत्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत रत्न राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिनकर जी को किस
पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी संस्कृति के चार अध्याय पर मिला था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ पर ये देखिए 2000 यानी 21 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है घर बैठे पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग गूगल में जाना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, वहां पर आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बस यहां पर आप लोग क्या करना है कि ये मॉडल पेपर को देखना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल बिहार बोर्ड 2022 की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए 15 नंबर, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये किस पाठ की उक्ति है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर का 15 नंबर का, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने, बहुत बढ़िया। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, सिपाही की मां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जा रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा है, परंपराशील नाट्य जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो यहां पर राइट आंसर क्वेश्चन 16 नंबर का, तो 16 का राइट आंसर ए नंबर, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो यहां पर जो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर, यानी क्या 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो यहां पर 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, देखिए ए नंबर नामोर सिंह। देखिए यहां से अगर आप लोग 100% अगर कुछ सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहां से 60 क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो भी हाल ही में आपको जो है आपका एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से देखना है। अब यहां देखिए जायसी के पिता कौन थे, तो जायसी के पिता कौन थे, देखिए बहुत ज्यादा वीवीआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, मलिक शेख मेमराज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, तो यहां पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर सी नंबर, जायसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जायसी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 को देखना है, कह रहे हैं सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो यहां पर 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 22 नंबर क्या है, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था। तो यहां पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर यानी पत्नी को फटकाकर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म जो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है। तो यहां पर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 का बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी नाभादास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभादास। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि भूषण की भाषा कौन थी। तो भूषण की भाषा कौन सी थी, आप लोग जल्दी से जवाब देने, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस बार की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जल्दी से बोलिए, 24 नंबर का ए नंबर ब्रज भाषा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन थे। तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए ए नंबर यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोल जा रहा है, करेक्ट किसकी रचना है, आज दशाएं भी हंसती है उल्लास
विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग इस बार की एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर IMP लिख चुका हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से याद रख लेना। तो 26 का राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताने, सी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 27 नंबर, कह रहे हैं कि निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताने आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है जन जन का चेहरा एक, क्या हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूध जो है यानी कौन सा संज्ञा, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर जाएगा, सी नंबर में क्या है दर्भवाचक संख्या है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो मित्रता शब्द जो है कौन सा संज्ञा होगा ये 2010 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये सारा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा जो VVI वही मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर बी नंबर जाएगा, भाववाचक है, मित्रता क्या है भाववाचक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 30 नंबर, कह रहा है कि सभा कौन सा संज्ञा है, सभा जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 30 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा समूहवाचक। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है, तो फरवरी शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर यानी जातिवाचक है, ठीक है, क्या हो जाएगा जातिवाचक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और, आगे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएगा 32 नंबर, कह रहा है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ऊर्जा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है 2018 में पूछा गया है, काफ़ी VVI है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी आपूर्ति जो है ये ऊर्जा शब्द का क्या है पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है, तो ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है इसका आंसर सी नंबर जगह, यानी क्या है क्रोध प्रकट करना, ठीक है, क्रोध प्रकट करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, कह रहा है कि खून का चूंट पीना मुहावरे का अर्थ है, खून का चूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या है यानी गुस्सा पचा जाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बताया ये 2010 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI है। अभी देखिए कह रहे हैं कि टेरी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर जगह, यानी कठिन कार्य, ठीक है, कठिन कार्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो मुट्ठी में करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये देखिए 2020 में पूछा गया है IA और ISC में, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी वश में करना, ठीक है, वश में करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को तरीके से सारे प्रश्नों को देखना है। अब यहां देखिए हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 37 नंबर का आंसर सी नंबर जगह, यानी क्या होगा साधारण काम समझना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लाजवाब शब्द कौन सा समास है, तो लाजवाब शब्द जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 38 का राइट आंसर क्या ए नंबर, यानी अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी भाव, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि तिरंगा शब्द कौन सा समास है, तो तिरंगा शब्द जो है कौन सा समास होगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा द्विगु समास है, तिरंगा क्या है द्विगु समास है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि चतुरानन कौन सा यानी शब्द समास है, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है, तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन नंबर 40 का, तो 40 नंबर का आंसर ए नंबर यानी बहुबीरी समास है, क्या हो जाएगा बहुबीरी समास है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है, तो रोग पीड़ित शब्द जो है ये कौन सा समास है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समास जो आप लोग को यहाँ से ही पूछे जाने वाले हैं इस बार के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा VVI है, तो 41 का आंसर ए नंबर जगह यानी तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास है, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आयात शब्द का विलोम शब्द है, तो आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं।
चलिए तो आयात का यहाँ पर जो बयास वगैरह सी नंबर निर्यात हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से आप लोगों को देख करके जवाब देने। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नास्तिक शब्द का विलोम शब्द है, तो नास्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 43 नंबर राइट आंसर ए नंबर आस्तिक हो जाएगा, ठीक है आस्तिक। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन चल रहा है और अभी हम लोग जस्ट अभी बुक पोर्शन में भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उमर शब्द का विलोम शब्द है, तो उमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 44 राइट आंसर क्या होगा ए नंबर ठंडक, क्या हो जाएगा ठंडक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गरीब शब्द का विलोम शब्द है, तो गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 45 नंबर राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा अमीर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमीर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 46 नंबर जिसके सिर पर चंद्रमा का एक शब्द है, जिसके सिर पर चंद्रमा का जो है यानी जिसके सिर पर क्या है चंद्रमा है, उसके लिए एक शब्द क्या हुआ, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 46 राइट आंसर क्या ए नंबर यानी चंद्रशेखर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा करेगी, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा करेगी, जिसके हाथ में चक्र का एक शब्द होगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा 47 नंबर का, तो 47 राइट आंसर डी नंबर यानी चक्रपाणी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा चक्रपाणी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द होगा, तो गोद लिया हुआ पुत्र का जो एक शब्द कौन सा होगा, तो ये 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी क्या दत्तक पुत्र, ठीक है दत्तक पुत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होगा, तो ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग को जवाब देने सी नंबर ज्ञान जोर उदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्ञान जोर उदय, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद होगा, तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 50 नंबर का जवाब देने, तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर पुरुष जोर उत्तम हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा पुरुष जोर उत्तम। चले बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया आईएससी आईकॉम और यानी आईए में पूछा गया है, कह रहा है कि लोटा डोरी समास है, लोटा डोरी जो कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से जवाब दें 91 का, क्या हो जाएगा द्विंदु समास है, क्या हो जाएगा द्विंदु समास हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंचपात्र कौन सा समास है, तो पंचपात्र कौन सा समास है, तो इसका आंसर डी नंबर यानी द्विगु समास है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है कैसे कवि हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 53 नंबर का ए नंबर प्रेम मार्गी के कवि हैं, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा कौन सा समास है, 54 का राइट आंसर बी नंबर यानी द्विगु समास है, ठीक है द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए यानी सी नंबर यानी राजा रुद्र शाह ने दी थी, ठीक है राजा रुद्र शाह ने राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि को किस कारक का विभक्त चिन्ह है, को जो है किस कारक का विभक्त चिन्ह है, तो यहाँ पर 56 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी नंबर कर्म राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कर्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से जवाब देने, कह रहा है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर 57 का डी नंबर हो जाएगा यानी सु हो जाएगा, ठीक है सु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट देखिए, सदैव का संधि विच्छेद शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी सदाज और ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो करना क्या कि गूगल में जाना है और bbphelp.com लिख लेना है, वहां पर आप लोग सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। बट इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो आप लोग को कहीं पर नहीं मिलने वाली है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेंगे निश्चय का संधि विच्छेद है, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी नी जोर चय राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा डी नंबर में क्या है आई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कनक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2009 में पूछा गया है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, तो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, तो 63 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर क्या है जय कृष्ण मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलयज का पूरा नाम क्या है। तो मलयज का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोग को, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन 65 का। 65 नंबर क्या कह रहा है, कि परगीत और समाज किस विधा की रचना है, परगीत और समाज जो है किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध। ठीक है जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद की भाषा जो थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पर 66 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी खरी बोली हिंदी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर को देखेंगे, तुमूल कोलाहल कलह मैं शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 67 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी हाँ, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर डी नंबर, यानी कांगो के रहने वाले थे, कांगो यानी अफ्रीका के। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोले, 69 नंबर का सी नंबर, रुद्र शाह ने दी थी। क्या हो जाएगा, रुद्र शाह ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 70 नंबर, कह रहा है कि अधिनायक कैसी कृति है। तो अधिनायक जो है कैसी कृति है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है, इस सारे प्रश्न का क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम था। तो जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो यहाँ पर 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कलीराम नाम था। क्या कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 2009 में भी पूछा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जय कृष्ण भूति किस रूप में देखे जाते हैं, तो जय कृष्ण भूति जो है किस रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी महा क्या हो जाएगा, महामनीषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महामनीषी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, नामोर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो नामोर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 73 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आलोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोचना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरदास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी चांद का मुँह टेराई, चांद का मुँह टेरा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख कर रखा हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए लिख कर रखा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 नंबर का। तो 75 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर, सॉरी बी नंबर, यानी इति जोर आदि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को ओनली फॉर जवाब देने हैं। ठीक है, डिस्कस में ध्यान नहीं देने हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ का लिंक सबसे पहले दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, गायन शब्द का संधि विच्छेद है, तो गायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 77 नंबर का यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या बी नंबर में क्या है, यानी गायक हो जाएगा। ठीक है, गायक शब्द का संधि विच्छेद गायक राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 2019-09 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है, तो ए नंबर, यानी परमजोर अर्थ हो जाएगा। ठीक है, परमार्थ का शब्द क्या, यानी संधि विच्छेद क्या होगा, परमजोर अर्थ हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन था ये। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विद्याजुर अर्थी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 80 नंबर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सुगम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा, तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द ए नंबर, यानी प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट आप लोग को बता रहा हूँ, सभी आप लोग देख सकते हैं, 2009 में ये आईएससी और आईएम में पूछा गया। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आरोही शब्द का विलोम शब्द होगा, तो आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो 82 नंबर का आंसर ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया करेगी, विराग शब्द का विलोम शब्द होगा, तो विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुराग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया करेगी, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, प्रिय होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिय होना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया करेगी, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है, तो ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है क्या होता है, जल्दी से बताने आप लोगों को। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लंबा होना, उसके बाद कम देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट से जवाब देने। 86 का राइट आंसर बी नंबर, यानी चतुर होना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, 2019 में ये प्रश्न जो पूछा गया है, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना। ठीक है, प्रसन्नता व्यक्त करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या बोला जा रहा है, नगर शब्द का विशेषण होगा, तो नगर शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है, यानी कि बी नंबर में क्या है, नागरिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर बी नंबर है, रंगबाज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, रंगबाज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शब्द का विशेषण होगा, तो शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका जल्दी से आप लोग को 90 नंबर का ए नंबर नहीं, क्या जाएगा, पत्थरबाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन नंबर देना है 91 का, भारत शब्द का विलोम शब्द होगा, तो भारत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, सॉरी विशेषण क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, बहुत तेजी तरीके से जवाब आ रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, जीव जंतु कौन सा समास है, तो जीव जंतु जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर, द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्या बोला है, कि नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर ए नंबर, कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि भरपेट शब्द कौन सा समास है, तो भरपेट शब्द जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अभी अभी भाव समास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करिए चीरी मार, चीरी पार शब्द कौन सा समास है, यहाँ चीरी मार होना चाहिए, पार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चीरी मार जो शब्द है ये कौन सा इसका समास होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, करिए सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग क्या होगा, तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करें कि जल शब्द कौन लिंग है, जल शब्द जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी नंबर, यानी स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दल शब्द कौन सा लिंग है, तो दल शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जो bbphelp.com जो है डिस्क्रिप्शन लिंक, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो बीबीपी हेल्प का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से आप लोग क्लिक करके जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और नहीं तो आप लोग करना क्या कि गूगल में bbphelp.com लिख देना है।